हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एलिमिनेशन मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जो कि वर्कशीट नंबर 11th में है, और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले एलिमिनेशन मेथड सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ को सीखना ज़रूरी होगा, जैसे कि आपके वर्कशीट में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके वर्कशीट में दिया हुआ है 3y-y=0, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो सबसे पहले इसको गौर करेंगे कि यहाँ पे क्या है, 3-y=0। तो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर डालें कि जिससे ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू जीरो आए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप कॉमन सेंस से आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 लिख देते तो 3y-3y=0। या और दूसरा है, जैसे मैं सारा क्वेश्चन को यहीं पे कर लेता हूँ और फिर उसका फिल इन द ब्लैंक कर दूंगा। तो जैसे पहला था 3y-y=0। दूसरा क्वेश्चन है 4x+x=0। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 2x-x=0। चौथा क्वेश्चन है -x-5x=0। और पांचवा क्वेश्चन है कि -a-7a=0। तो बस हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे अगर 3y होगा माइनस कर देंगे तो आंसर 0 होगा, तो 3y कर दिए। यहाँ पे 4x है +x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 4 लिख दें -4, तो यहाँ पे माइनस प्लस करके क्या होगा, 4x-4x=0 ऐसी हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -5x है, तो यहाँ पे क्या डालना चाहिए, तो 5 डालना चाहिए जिससे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 7a है और ये a है, तो यहाँ पे क्या 7 डाल देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। ये कुछ ज्यादा खास चीज नहीं था, लेकिन इसका यूज आने वाले टाइम में हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का रूल देखते हैं क्या होता है। इसको बनाने का एक दो स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ये। तो उससे पहले हम देखते हैं कि आपके वर्कशीट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या है, चलिए देखते हैं। वर्कशीट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है कि 2x+3y=8, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 4x+5y=8, दूसरा इक्वेशन है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले हम गौर करेंगे, स्टेप वन क्या कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड में। स्टेप वन है कि हमें जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का कोई एक ऐसा कॉफिशियंट पकड़ लेते हैं। कॉफिशियंट जानते होंगे कि जो वेरिएबल से पहले वाला न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको कॉफिशियंट कहते हैं। तो इस पूरे में हम इस इक्वेशन में जैसे देखते हैं, x से पहले 2 है और x से पहले 4 है, तो हम कोशिश करेंगे कि कॉफिशियंट को सेम करने की। तो कॉफिशियंट को सेम दो तरीके से किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। जैसे कि यहाँ पे 2x+3y=8 है और यहाँ पे 4x+5y=8 है, तो हम यहाँ पे 2x को 4x भी बना सकते हैं। तो 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको LHS साइड और RHS साइड दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट वाले वर्ड कॉफिशियंट से बराबर हो जाएगा। या हम इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, LHS साइड और RHS साइड, तो भी हमारा हो जाएगा। तो हम चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप फर्स्ट हम अगर कर दें तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या, इन इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन इक्वेशन वन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2x है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x+3y=8 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया कितना, 4x+6y=16 हो गया।
तो हमारा अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये और ये बराबर हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक कर सकते हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को। तो हम करते हैं सब्ट्रैक करने का तरीका, इसमें सब्ट्रैक्स भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गौर करने वाली बात है, कभी कभी आपका कोफिशियंट होता है माइनस में होता है, माइनस फोर एक्स है तो, और दूसरा कोफिशियंट प्लस में है तो प्लस और माइनस प्लस कर देंगे तो वो ऑलरेडी कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन दोनों प्लस में है तो इसलिए हमको माइनस में करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है, फोर एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू एट, ये सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का सबसे स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है कि इसको गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि जब ऐड करेंगे तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, 4x 4x 8x, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो होगा ये वाला नीचे वाले का जो सिंबल होगा उसको हम चेंज कर देंगे, डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 4x है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 5y है तो फाइव माइनस 5y होगा, और ये माइनस 8 हो जाएगा। देखिए 4x माइनस 4x तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। 6y माइनस 5y तो क्या हो जाएगा, प्लस है ये वाला तो प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 16 और माइनस 8 तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई, y की वैल्यू कितना निकली, y की वैल्यू 8 निकली। अब हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो स्टेप थ्री देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने कोफिशियंट को बराबर किया, सेकंड स्टेप में हमने माइनस प्लस जो करना था वो कर दिया, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें करना है कि y की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए देखते हैं, तो y इक्वल टू हमारा निकल गया 8। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन टू को लेते हैं जो कि इक्वेशन टू है आपका, उसी में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन टू क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे y की जगह पे हम पूरा 8 वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है कि 4x हो गया और प्लस 5 के जगह पे हम 5 है इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y की वैल्यू 8 है और यहाँ पे इक्वल टू 8 हो गया। तो 4x प्लस 8 5 से 40 होता है, 40 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या है, 4x हो गया और ये 8 हो गया, ये 40 जो है इस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 40 हो गया। तो 4x इक्वल टू माइनस 32, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 32 अपॉन 4, ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी 8 है और x की वैल्यू माइनस 8 है, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू माइनस 8 है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो ये स्टेप कौन सा हो गया था, ये स्टेप 3 हो गया था। हम बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम आपके वर्कशीट को वर्कशीट पे काम करते हैं। आपके वर्कशीट पे दो क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपके वर्कशीट का क्वेश्चन ये है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का ए पार्ट दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो x माइनस y इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम स्टेप वन करेंगे। स्टेप वन में क्या है कि हमें कोफिशियंट को बराबर करना है। तो कोफिशियंट कैसे बराबर होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि 3x है तो यहाँ पे भी 3x लाने की कोशिश करेंगे इक्वेशन टू में। तो इन इक्वेशन टू में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस वाई और ये भी 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 3, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टेप टू हम देख लेते हैं, स्टेप टू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू
थ्री है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो वाला सिंबल होगा उसका जैसे अपोजिट होगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स तो कट गया, प्लस फोर वाई और माइनस थ्री वाई था तो ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, सेवन वाई हो गया, सेवन वाई हो गया। और यहाँ पे टेन माइनस थ्री कितना होगा, सेवन होगा, तो वाई की वैल्यू निकल गई। वाई की वैल्यू क्या हो गई, सेवन अपॉन सेवन हो गई, तो हमारा वाई की वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया, वाई इक्वल टू वन। अब यही वाई की वैल्यू को हम स्टेप टू में, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम वाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। तो चलिए स्टेप थर्ड देखते हैं, स्टेप थर्ड को हम y की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, 3x प्लस 4y स्केल टू 10 था, तो y की वैल्यू 1 निकालना है, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 स्केल टू 10, 3x ये 4 हो गया, 4 इस साइड जाएगा, 10 माइनस 4 तो कितना होगा, 3x स्केल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन 3, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारा y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 2 आ गया। बस इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए हम तीसरे पार्ट की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 3y माइनस 5z इक्वल टू 4, और दूसरा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9y माइनस 2z इक्वल टू 7। तो बस इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप दोनों तीन स्टेप कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है, कोफिशिएंट बराबर करना है, सेकंड स्टेप में माइनस प्लस करना है, और थर्ड स्टेप में उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, अगर आप लोग इसे इसका काम करके हमें कॉमेंट बॉक्स में अगर एक्स और वाई की वैल्यू बता देते हैं तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आप सही निकालें या गलत निकालें, और तरीका भी आप बता सकते हैं हमें। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मीना वेंट टू बैंक विद्रो 2000 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, और मीनाज गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ आर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीना जो है वो बैंक गई, बैंक से 2000 रुपये निकाली, उसने कहा कैशियर को कि हमें 50 का नोट दो और 100 का नोट दो, और वो कैशियर ने उसे 25 नोट्स दिया जिसमें 50 का भी नोट्स था और 100 का भी नोट्स था। तो हमें इक्वेशन में ये, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 के नोट्स को हम x मान लेते हैं, रुपीज नोट इक्वल टू x, और 100 रुपए के नोट्स क्या मानते हैं, y। तो अब हमें इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि मीना जो गई थी नोट लाने, वो टोटल नोट कितना था, 25 था, जिसमें x भी था और y भी था, तो x प्लस y कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन जब सबका नोट पैसा काउंट किया गया तो वो पता चला कि 2000 रुपीज था। तो क्या करेंगे, तो 50x यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या था, ये एक नोट है कितने का है, 50 का, अगर दो होगा तो 50 इंटू 50, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें 50 का नोट था तो 50x, 100 का नोट भी y था तो 100y इक्वल टू कितना टोटल मिला के हो जाएगा, टोटल मिलाकर 2000 हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन सेकंड बन गया। लेकिन यहाँ पे वैसे ही सेम करना है, स्टेप वन करना है कि एलिमिनेशन मेथड के पहले कर्ण में कि हमें कॉफिशियंट बराबर करना है। तो इसको
ये वन है कॉफिशियंट, इसका 50 है, तो अगर हम इस वाले सारे इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इक्वेशन इनका कॉफिशियंट बराबर हो सकता है। चलिए देखते हैं, 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 इंटू 50, तो ये क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y इक्वल टू 225 इंटू 50 करोगे तो आ जाएगा 1250 आ जाएगा। तब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है स्टेप टू में। तो इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, ये है, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, और इस फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया, तो 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, तो 100y में से 50y माइनस करेंगे तो क्या होगा, 50y हो जाएगा, और 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 750 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, 750 अपॉन 50, इसको डिवाइड करो तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू 15 आ गई। अब हम इसे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था x प्लस y इक्वल टू 25 था, तो y के जगह पे 15 डाल दो, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 10। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 10 है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या माना था, y इक्वल टू 100 का नोट्स एंड x इक्वल टू 50 का नोट्स, तो x की वैल्यू कितना है, 15 निकाले हैं, 10 निकाले, तो 10 इंटू 50 कितना होता है, 500, और y कितना था हमारा, y 15 था, तो 15 इंटू 100 कितना होता है, 1500 होता है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा 2000 हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन निकल गया, आंसर निकल गया। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड पूरी तरीके से समझ गए हैं, और आगे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।